देख देखते ऑलमोस्ट दो व्लॉग्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। मतलब परसों शुरू हुआ था एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के बाद जो कल का पूरा शेड्यूल आपको दिखाया, एंड आज आपको ड्रेसिंग देखे पता चल चुका होगा पूरा आपको यहाँ पे गोवा वाला वाइब आ रहा होगा। लेकिन हम लोग आज यहाँ पे फुल बैंकों को मचाने वाले और आज जाने वाले कोरल आइलैंड। मतलब यहाँ का एक एक फेमस प्लेस है। मतलब यहाँ पे अगर इफ कोरल आइलैंड नहीं गए तो क्या क्या, बिकॉज वहाँ पे जाके पैरासीलिंग, बनाना राइड, मोटर राइडिंग एंड बहुत सारे अंडर वाटर राइडिंग एंड ये बहुत सारे एक्टिविटीज जो कि करने को मिलते हैं। सो दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, सो एक्साइटेड हो इसके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ पहले अपना इंट्रो करके लेते हैं गाइस, ओके। सो हे क्वांटिफाइज बॉज सपोर्टर्स वेलकम, आई एम दिनेश कोहली गाइस, एंड आई एम बैक विद न्यू सुपर ब्लास्टिंग वीडी यो, ओके। सो अभी फिलहाल तो नीचे जाके ब्रेकफास्ट करना है, जैसे कि अपना ब्रेकफास्ट जो है वो इधर ही होटल में है, एंड इसके बाद यहाँ से सीधा निकलना है। अराउंड 7:30 का ब्रेकफास्ट रहेगा, 8:30 बस छूटेगी एंड फटाफट वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ऑलमोस्ट अपना आज का आधा दिन जो है वो कोरल आइलैंड पे जाएगा, एंड उसके बाद शाम को क्या करेंगे आपको हम लोग बताएंगे। यहाँ पे ब्रेकफास्ट है और अपना कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट है, तो आप क्या सर्व कर रहे हो? कॉफी, ओके, कॉफी, उल्टा कॉफी। अपने ऋतु जो चूस चूस के खाने वाली कांदा चिकन एंड बहुत कुछ, और ये हमारी इन्वेंशन करने वाले हर्षद भाई, मतलब इन्होंने अभी जस्ट एक बर्गर इन्वेंट किया यहाँ पे। इस बर्गर ने मतलब बहुत टक्कर दे दी है, क्या बोल सकते हो, मतलब ये इसे बोलते हैं डेढ़ गली का बर्गर। तो अभी डेढ़ गली का बर्गर हर्षद ट्राई करते हुए देखते हैं क्या रिएक्शन आता है हर्षद का, बस मुंह से बाहर ना निकल जाए। भारी लगता है। अरे डेढ़ गली का बर्गर रेडी है, गणित ट्राई करते हो, माय गुडनेस। ओ और बहुत हमारे पैरासीलिंग है, बनाना राइड है, मोटर राइडिंग है, बहुत कुछ स्टेट है। आज का दिन पूरा एडवेंचरस होने वाला है। हम लोग पोर्ट पे आ चुके हैं, ओके, एंड यहीं से अभी अपने को बोट भी मिलने वाला है, स्पीड बोट, बहुत मजा आने वाला है, राइट? ओ मैडम, एक्साइटेड फॉर स्पीड बोट? सो मच एक्साइटेड। देखते हैं, चलो फटाफट ये आ गए अपने स्पीड बोट। एक मिनट में एंगल घुमा के देखा था आपको। ओ माय गॉडनेस, डैम, अपने हर्षल भाई, अस्मित भाई, जयेश भाई, सब लोग, एंड हम लोग यहाँ टॉप एंड पे बैठे हैं। लाइक ये अभी ऐसा स्पीड ऑफ देख सकते हैं ऊपर से, मतलब जो आगे का हिस्सा है ना वहीं पे बैठे हैं, और इधर से जो फाट 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 बोट मतलब लगती है बस। मेरा तो सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है, ये सबका फर्स्ट टाइम है। क्या आर्ट, एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड।
बोट थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। अब हो गया बस हो गया। आपको सारे मोंटास रोड धब्बा धब देखने मिल जाएंगे। देखिए ओ बस निकल गया बोट निकल गया। ओहो सही है। इतने सारे लोग हैं, ठीक है, सभी ऑल सेट। ये देखो इन लोग का भाई पहला नंबर है, यानी अर्शद भाई, एक्साइटेड। अरे बाप रे, आपको पैरासिन का शॉर्ट्स दिखा दे। अभी जस्ट अपना पैरासिलिंग हो चुका है एंड हमारे भाई को भाई दो रॉड मिला है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्नोकलिंग के लिए जा रहे हैं अंडर वाटर, ठीक है, उसका भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। स्नोकलिंग एंड अपने हर्षल अपने साथ में जो स्नोकलिंग नीचे हम लोग बोट के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। ये समथिंग बहुत हिल रहा है वो पानी देखो मतलब ये पानी देखने के लिए स्पेशली लोग यहाँ पे आते हैं। लाइक लुक एट द वाटर। आपको स्नोकलिंग का थोड़ा नज़ारा दिखा रहता है ऊपर से, पॉसिबल हो रहा है तो दिखा दूंगा, बट तो ये मेरी मशीनरी है तो यहाँ पे तो नहीं, आगे से आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, बट ये भी बहुत सही दिख रहा है, बहुत अभी बढ़ते हैं।
स्टार्ट है। बघू शकता तुम्ही इथे फाइनली अभी आपको सब कुछ जगह हो चुका है, जैसे बोला पूरा एडवेंचरस दिन होने वाला है। तो स्टार्टिंग में जैसे कि हमने क्या क्या किया है, पहले तो पैरासेलिंग किया, उसमें भी दो राउंड्स मिले। उसके बाद हमने वो अंडर वाटर जो था वो किया, ठीक है, उसका भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद क्या था, अपना मोटर राइडिंग था, अपना राइड था, ये सब हमने कवर कर दिया। ओके, एंड अभी बीच पे पूरी धमाल चल रही है। As you can see, full blue water. मतलब ये लाइफ है बॉस, ये लाइफ, ये जीने में मजा आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपनी पब्लिक, जैसे कि माई सिस्टर, अभी इन लोग का फोटोशूट चल रहा है बाकी, ठीक है। ओके ओके, देखो मुझे दूर होने के लिए बोला जा रहा है, क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट टू क्लिक सम फोटो। ओके, तो ये सब कुछ चल रहा है अभी, इसी के हिसाब से अभी आगे भी चलने वाला है। अभी ऑलमोस्ट ये सब कुछ हो गया है, तैर के सब कुछ हो गया है, ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ से सब लोग निकल रहे हैं, अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। खाना खाने के बाद शाम का क्या प्लान है, अभी भी फिक्स नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसका ड्यूरेशन चेक करूँगा, अगर ये ड्यूरेशन, मतलब ये व्लॉग का ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है तो मैं ज़्यादा देर फिर इस व्लॉग को क्लोज कर दूंगा। ड्यूरेशन कम है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्लीज गिव इट अप, सो लेट्स गो। मतलब आई कैन बिलीव मैं टावर जंप पे इतने ऊपर से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सी द व्यू, शिट डैम। सो दिस इज द फॉर्म गाइस, वी हैव फिल्ड अप। मतलब कुछ हुआ तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कुछ फॉर्म है, तो अभी बढ़ते आगे।